स्पेशल बुलेटिन खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। इस वक्त की बड़ी खबर सुनिए। सबसे पहले, रूस यूक्रेन युद्ध को करीब एक महीना पूरा हो चुका है, उस पर हमारी नजर है। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का नया वीडियो भी इस बीच सामने आ चुका है। हमें रूस और युद्ध को रोकना होगा, ये कहना है जेलेंस्की का। यूक्रेनी आवाम पर रूसी आतंक लगातार जारी है, जेलेंस्की की ओर से बयान दिया गया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी आक्रमण के चलते एक महीने में यूक्रेन की जनता परेशान हो गई है। यूक्रेन की आजादी बरकरार रखने के लिए पिछले एक महीने से संघर्ष जारी है। तो ताजा वीडियो सामने आया है जेलेंस्की का, जो कि बता रहे हैं कि हमें युद्ध को भी रोकना है, हमें रूस को भी रोकना है। शुरुआती दौर से और एक मंच पर, क्योंकि अलग अलग जगहों से लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। हाल फिलहाल में ही उन्होंने यूएस की संसद को भी संबोधित किया और वहां पर भी वो साफ ये कह रहे थे कि रूस के जो नापाक मंसूबे हैं वो ना सिर्फ यूक्रेन के लिए खतरा है बल्कि पूरे यूरोप और पूरे विश्व इससे कहीं ना कहीं चिंतित जरूर हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध को करीब एक महीना पूरा हो गया है। पुतिन की सेना जहां यूक्रेन पर दनादन हमले कर रही है, तो वहीं जेलेंस्की के जवान भी पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। एक मिनट में आप ये रिपोर्ट देखिए। 24 फरवरी को रूस ने जो युद्ध का आगाज किया था, उसके एक महीने होने को हैं। दिन की गिनती के हिसाब से 29 रोज हो गए युद्ध के, लेकिन ना तो रूस रुक रहा है और ना ही यूक्रेन सरेंडर के लिए तैयार है। उधर रूसी फौज ने युद्ध के 29वें दिन एक बार फिर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये मिसाइल बेलारूस की धरती से यूक्रेन को टारगेट करके दागी गई, जिसमें भारी नुकसान होने की खबर है। रूस की फौज ने सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल पर बरपाई है। मारियोपोल को मरघट बनाने में पुतिन की सेना ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। मारियोपोल में इतनी मिसाइलें दागी गई हैं, इतने रॉकेट गिराए गए हैं और इतने बम दागे गए हैं कि पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। पूरा शहर जला हुआ और क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। देखिए कैसे रिहायशी इमारतें, मार्केट, गाड़ियां सब बर्बाद हो गए हैं और पूरा शहर मलबे का ढेर नजर आने लगा है। यूक्रेन की राजधानी कीव का क्या हाल हो गया है वो भी देख लीजिए। भले ही रूसी फौज कीव पर कब्जा न जमा पाई हो, लेकिन इस खूबसूरत शहर का बुरा हाल जरूर बना दिया है। रिहायशी इलाकों और मार्केट में इतनी बमबारी की गई है कि चारों तरफ मलबा ही मलबा पसरा हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही रूसी फौज ने अगर कहीं मचाई है तो वो मारियोपोल है। पुतिन का प्लान मारियोपोल पर कब्जा कर क्रीमिया तक कॉरिडोर बनाने का है। एक मिनट में रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन में विनाश लीला कर रही रूसी सेना अब फ्यूचर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। तभी तो पुतिन की पलटन ऐसे शहरों को टारगेट कर रही है जो उसे यूक्रेन को घेरने के लिए अहम हो। इसी प्लान पर आगे बढ़ते हुए रूस ने मारियोपोल शहर को नेस्तनाबूद कर दिया। ताबड़तोड़ हमलों से मारियोपोल खंडर हो चुका है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने मारियोपोल का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। जीता जागता रंगीन शहर मारियोपोल अब वीरान हो चुका है। मारियोपोल पर कब्जा कर रूसी सेना क्रीमिया से रूस तक कॉरिडोर बनाने में जुटी है। एक रूसी अधिकारी के मुताबिक मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस को क्रीमिया तक पहुंचने के लिए जमीनी रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि मारियोपोल दक्षिण पूर्वी रूसी कब्जे वाले डोनबास क्षेत्र से काफी नजदीक है। रूस चाहता है कि यूक्रेन मारियोपोल सरेंडर कर दे, लेकिन रूस की चेतावनी वार्निंग के बावजूद यूक्रेन ने झुकने से इनकार कर दिया है। रूसी सैनिकों ने 1 मार्च को 4.5 लाख की आबादी वाले मारियोपोल की घेराबंदी की थी। यहाँ 80% से ज्यादा बिल्डिंग तबाह हो चुकी है, करीब 2.5 लाख लोग शहर छोड़ चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक मारियोपोल में अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं जिनके पास राशन तक नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस की मदद में दोनेत्स्क की डीपीआर आर्मी यूक्रेन पर ही लगातार वॉर कर रही है, तो यूक्रेन की फौज भी पुतिन की सेना को करारा जवाब देने में जुट गई है। पलटवार कर यूक्रेन ने रूसी फौज के टैंक, तोप सब कुछ तबाह कर डाले। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये आग लगी है यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में, जो रूस के बहकावे में अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़ा हो गया है। डोनेट्स्क की डीपीआर आर्मी रूसी सेना की मदद करते हुए यूक्रेन की फौज पर ही पलटवार कर रही है। इसी कड़ी में डोनेट्स्क के बखमुत शहर में यूक्रेनी सेना के वेयरहाउस पर हमला किया गया, जिसमें वेयरहाउस धू-धू कर जल गया। धू-धू कर जल रही ये रूसी फौज की तोप है जो गोला दागने से पहले ही खुद शिकार हो गई। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस ने सैन्य ठिकाने बनाकर वहां होवेजर तोप से लेकर कई टैंक और हथियारों का जखीरा रखा था,
लेकिन यूक्रेन की फौज ने हवाई हमला कर सब कुछ तबाह कर दिया। यूक्रेन के पलटवार में रूस की कई तोपें, टैंक, मिलिट्री वैन बर्बाद हो गईं और पुतिन की सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रूस के मिसाइल हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन की फौज भी डटी हुई है। यूक्रेन की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए रूसी मिसाइलों को टारगेट पर अटैक करने से पहले ही मार गिराया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन अब तक कई रूसी मिसाइलों को ढेर कर चुका है। यूक्रेन में जगह जगह पर कब्जा जमा कर बैठे रूसी सेना के काफिले पर इसी तरह से लगातार पलटवार हो रहे हैं। यूक्रेन की फौज हवाई हमले कर रूस के अस्थायी सैन्य अड्डे को तबाह कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूक्रेन के चेर्निहिव में रूसी सेना का रिहायशी इलाकों में बहुत बड़ा अटैक सामने आया है। चेर्निहिव की कई इमारतों में भीषण आग लगी हुई। बिल्कुल, आपको बता दें कि चेर्निहिव की कई इमारतों में भारी तबाही का मंजर देखा गया। रूसी सेना ने चेर्निहिव में भारी तबाही मचाई है और पिछले एक महीने का करीब वक्त होने को आया है जब रशियन सैनिक यूक्रेन के तमाम इलाकों में कहर बनकर टूट रहे हैं। और यूक्रेन ने रूस पर एक बार फिर से फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है और जिसकी गिनती केमिकल वेपन में भी होती है। केमिकल वेपन का इस्तेमाल युद्ध अपराध माना जाता है। क्या कुछ गुनाह यहां पर रूस की ओर से किया गया और यूक्रेन का क्या दावा है, एक मिनट की रिपोर्ट में समझिए। यूक्रेन ने रूसी फौज पर युद्ध में फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इरपिन शहर के मेयर अलेक्जेंडर मार्कुसिन के मुताबिक होस्तोमेल और इरपिन में रूसी फौजों ने व्हाइट फास्फोरस बम से हमला बोला। मार्कुसिन के इन आरोपों के बाद नाटो ने चिंता जताई और कहा कि यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने का अंजाम रूस के लिए बुरा होगा। इससे पहले पूर्वी लुहांस्क के पोपासना शहर में भी फास्फोरस बम दागने का आरोप रूस पर लग चुका है। व्हाइट फास्फोरस बम जलते हुए कई किलोमीटर के दायरे में फास्फोरस फैलाते हैं, जिनका तापमान 800 डिग्री से भी ज्यादा होता है। इसका असर ये होता है कि इंसान और जानवरों की त्वचा को तुरंत ये जला देते हैं और बेहद दर्दनाक मौत देते हैं। व्हाइट फास्फोरस बम एक तरह से केमिकल बम ही है और जिनेवा संधि के मुताबिक रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल युद्ध अपराध के दायरे में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 4 दिवसीय यूरोप दौरे पर हैं। बाइडेन पोलैंड भी जाने वाले हैं और उनकी इस यात्रा से रूस बुरी तरह से चिढ़ चुका है। यह रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप दौरे पर हैं। बाइडेन बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंच भी गए हैं। यूरोपियन और नाटो के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाइडेन पहुंचे हैं और वो कल पोलैंड का दौरा करने वाले हैं। उनके इस दौरे से रूसी राष्ट्रपति पुतिन भड़क गए हैं। 3 दिन पहले पोलैंड ने यूक्रेन में शांति सेना भेजने का ऐलान किया था, जिसके बाद रूसी बॉम्बर पोलैंड की हवाई सीमा में घुस गए थे। बाइडेन इसी हफ्ते ब्रसल्स में G7, नाटो और यूरोपियन संघ के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। G7 की बैठक में रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की यूरोप यात्रा से रूस चिढ़ा हुआ है और इसे एक उकसावे वाली यात्रा करार दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे वक्त में यूरोप और खासतौर पर पोलैंड की यात्रा पर हैं, जब पोलैंड लगातार रूस के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और पोलैंड के खिलाफ पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। चेर्निहिव में तबाही का नया वीडियो सामने आया है। चेर्निहिव के मेयर ने शहर में मची तबाही का वीडियो शेयर किया है और चेर्निहिव में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। मेयर ने वीडियो साझा करे बताने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से अब रूस जो है हर एक जगह पर टारगेट कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, चेर्निहिव की ये तस्वीरें हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है और जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं गाड़ी में मेयर है वहां के और उन्होंने ही इस वीडियो को साझा किया है। वो ये बताना चाह रहे हैं, वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि अब यूक्रेन में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ तबाही है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर अब रिहायशी इलाकों को भी लगभग रशियन सैनिकों ने खत्म कर दिया है।
और रूस के खिलाफ नेटो मजबूती से यूक्रेन के लिए एकजुट हुआ हुआ है। युद्ध में यूक्रेन को नेटो अलायंस मदद करेगा और 4 नए बैटल ग्रुप भी तैनात किए गए हैं। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध के साए में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो की आपात बैठक में रूस पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हुई। इन चर्चाओं में यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य मदद बढ़ाए जाने पर भी विचार हुआ। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन के पक्ष में नाटो देश पहले से ज्यादा सक्रिय होने वाले हैं और हथियारों की मदद को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। खबर यह भी है कि यूक्रेन को अतिरिक्त मदद देने के लिए नाटो देश 4 नए बैटल ग्रुप को यूक्रेन में तैनात करेंगे। यूक्रेन के समर्थन में नाटो के खुलकर आने से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बौखलाना लाजमी है। यूक्रेन के पक्ष में यूरोप और नाटो के खड़ा होने से रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकी भी खुलकर दी जाने लगी है। पुतिन प्रशासन के एक प्रवक्ता ने कहा भी है कि अगर रूस के सामने अस्तित्व का खतरा होगा तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। रूस के खिलाफ नाटो की एकजुटता और यूक्रेन की मदद करना, इसका सीधा मतलब पुतिन से टकराना है, जो कि परमाणु युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है, क्योंकि पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी तीसरा देश अगर इस मामले में टांग अड़ाएगा तो अंजाम बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पोलैंड दौरे से पहले रूस बॉर्डर पर हलचल और तेज हो गई है। नेटो देशों के सैनिकों ने रूस सीमा पर युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग का आज 29वां दिन है। दोनों देशों के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच युद्धकाल के दौरान रूस बॉर्डर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रूस बॉर्डर पर एक दो नहीं बल्कि नाटो देशों के 30,000 सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्धाभ्यास में परमाणु पनडुब्बी तक शामिल है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस पर किसी बड़े एक्शन की तैयारी है। दरअसल यूक्रेन के बॉर्डर पर बीते कुछ दिनों में लड़ाकू विमानों को रडार ने ट्रेस किया। दावा यही किया जा रहा है कि विमान खतरनाक मिसाइलों से लैस थे। बड़ी बात यह है कि ये विमान ना तो यूक्रेनी सेना के थे और न ही रूसी सेना के। माना जा रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर और हंगरी एयर स्पेस में नजर आए ये लड़ाकू विमान अमेरिका के थे। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस को घेरने के लिए अब नाटो ने कमर कस ली है। इसी के चलते 30,000 सैनिक, 200 लड़ाकू विमान और परमाणु पनडुब्बी युद्ध का रिहर्सल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सैन्य अभ्यास के जरिए नाटो यूक्रेन में कहर बरपा रही रूसी सेना को उत्तरी यूरोप के मोर्चे पर सख्त संदेश देने की तैयारी कर रही है। नाटो सेनाओं का युद्धाभ्यास रूस की सीमा से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। इस अभ्यास को कोल्ड रिस्पांस नाम दिया गया है। अभ्यास के दौरान सैनिक नॉर्वे के समुद्र तटीय इलाके में जंगी जहाज से उतरकर छापा मारने का अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास में कई घातक जंगी जहाज भी हिस्सा ले रहे हैं। युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन की तरफ से लगातार नाटो मुल्कों से मदद मांगी जा रही है। ऐसे में रूस की सीमा के पास नाटो सेनाओं के इस युद्धाभ्यास के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर इस्तीफे की तलवार तो लटकी रही है, लेकिन इमरान खान की हेकड़ी जो है वो कम नहीं हो रही। इमरान ने कहा कि वो किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे, उनके पास तुरूप का पत्ता है। रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान की सियासत में भारी उथल पुथल मची हुई है। प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर तलवार लटक रही है। 25 से 28 मार्च के बीच उनके खिलाफ नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कई सांसदों की बगावत के बाद इमरान सरकार माइनॉरिटी में आ चुकी है, लेकिन खुद कप्तान अभी भी दम दिखा रहे हैं। बुधवार को इमरान खान ने कहा, मेरा इस्तीफा मांगने वाले सुन लें, मैं आखिरी बॉल तक खेलना जानता हूं, किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरे पास तुरुप के पत्ते बाकी हैं, इन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। विपक्ष तो खुद प्रेशर में है, इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि इमरान का गेम ओवर हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के जनरल भी इमरान को इस्तीफे का फरमान सुना चुके हैं, लेकिन इमरान है कि स्लॉग ओवर में भी चौके छक्के लगाने का दम भर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान इमरान खान ने कहा, अपोजिशन के पास न कहने को कुछ है और न करने को, मैं उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूं। उन्होंने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन मैं इन्हें वक्त आने पर ही खोलूंगा। नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। इमरान खान भले ही अपने पास तुरुप का पत्ता होने का दावा करें, लेकिन हकीकत दरअसल कुछ और ही है। उनकी सरकार का समर्थन कर रही 3 बड़ी पार्टियां MQMP, PMLQ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी विपक्ष के खेमे में खड़ी नजर आ रही हैं। ऐसे में इमरान के लिए सरकार बचाना एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिएगा जी हिंदुस्तान के साथ।